Subscribe and press the bell icon for latest update. प्रवीण तोगड़िया के साथ हुई घटना के बाद आनन फानन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा हरिद्वार में प्रांतीय बैठक को बुलाई गई, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कई बड़े अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मौजूद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों में खासा रोष देखने को मिला। देखिए, बजरंग दल की ये बैठक, इसमें विष्णु परिषद जो बैठक हुई बजरंग दल विष्णु परिषद मिलाकर, इस बार बैठक में दो बड़े कार्यक्रमों की चर्चा अपने लोग करने वाले हैं। 18 मार्च से 31 मार्च तक पूरे देश भर में इष्ट देव जप अनुष्ठान कार्यक्रम का निर्णय किया गया। इष्ट देव जप अनुष्ठान कार्यक्रम यानी कि अपने जिस भी हम अपने देवताओं को इष्ट मानते हैं, उससे हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान राम के जन्मभूमि पर शीघ्र भव्य मंदिर का निर्माण काम शुरू हो, उसके लिए हम अनुष्ठान करेंगे। और 31 मार्च को सामूहिक रूप से सामूहिक आरती के लिए हम विभिन्न मंदिरों में सामूहिक रूप से आएंगे। उत्तराखंड के सभी जिलों के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और उत्तराखंड की संपूर्ण योजना इसमें हम लोग बनाने वाले हैं। इस जप अनुष्ठान के कार्यक्रम के बाद पूरे प्रांत भर में बजरंग दल के जिला सम्मेलनों के कार्यक्रम की रचना भी करेंगे। अभी अभी हम सबको जानकारी है बजरंग दल का भर्ती अभियान पूर्ण हुआ है, उसके कारण से अभी इसके जिला सम्मेलन के कार्यक्रम रचना किया। पूर्ण विश्वास है अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर बनेगा। सरकार ने कभी कोई मंदिर नहीं बनाया है, समाज के प्रयास से मंदिर बनना है। संतों के आशीर्वाद से ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि अतिशीघ्र ही मंदिर का निर्माण काम शुरू होगा। अभी उड़पी की धर्म संसद में लगभग सामूहिक रूप से संतों ने भविष्यवाणी की है कि 2018 में मंदिर का निर्माण का काम शुरू होगा। सरकार भूले ये सरकार जाने ना, सामाजिक संगठन के नाते हमारी जिम्मेदारी है। मंदिर बनाने का संकल्प हमने लिया है, मंदिर शीघ्र बनेगा। हमने सौगंध राम की खाई है, मंदिर भव्य बनाएंगे। हमने भी कहा है, जो सरकार में बैठे हैं उन्होंने भी कहा है, उनको भी शायद ये होगा तो शायद मंदिर निर्माण वो भी सहयोग करें। हमारे वो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने जो कहा उस पर हमको टिप्पणी नहीं कर सकते। उस पर जरूर जांच होनी चाहिए। जेड प्लस के सुरक्षा मिले हमारे अधिकारी, किस प्रकार से ये गायब हुए इसकी जांच होनी चाहिए, ये निश्चित रूप से मांग करते हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से जेड प्लस की सुरक्षा उनको प्राप्त है, उसके बावजूद भी वो कैसे गायब हुए ये जाँच जरूर होनी चाहिए। कौन उनके पीछे है इसकी जाँच को अगर स्पष्ट होना चाहिए। एसपीएन न्यूज रूम की रिपोर्ट।